जय श्री कृष्ण बच्चों, स्वागत है कक्षा 4 में। आप पढ़ रहे हैं आपके हिंदी का पार्ट 3 झीलों की नगरी। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसे उदयपुर को हम झीलों की नगरी क्यों कहते हैं, और उसके आगे का वीडियो अभी आप देखेंगे। गुलाब बाग में आपको बताया था मैंने, भांति भांति के फूल खिलते हैं और वहां पे जब दर्शक जाते हैं तो गुलाबों की भीनी भीनी खुशबू से उनका मन बहुत खुश हो जाता है। और वहां पे एक चिड़ियाघर भी है, वहां पे रंग बिरंगी चिड़िया है, जब वो चहकती है तब हमें बहुत अच्छा लगता है। और एक आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे गुलाब बाग में क्या है, बच्चों की सहेलियों की बाड़ी जो बाग है, वहां भी एक बच्चों के लिए रेलगाड़ी है, उसमें जब बैठते हैं तो बच्चों को बहुत आनंद आता है। लेकिन रेलगाड़ी में बैठने के लिए आपको उसका टिकट लेना पहले जरूरी है। और यहाँ पे जो वहां पे पहले क्या था, भालू शेर चीते बंदर भी थे, और शेर की दहाड़े सुनी जा सकती थी, हिरण को कुलाचे भरते भी देख सकते हैं। और सज्जनगढ़ को जब से अभयारण्य घोषित किया गया है तब से वहां जो ये सब जानवर थे वो सब कहाँ पे स्थानांतरित कर दिए, उनको कहाँ भेज दिया गया, सज्जनगढ़ अभयारण्य में। यहाँ सहेलियों की बाड़ी में जब फवारे चलते हैं तब स्वर्ग का नजारा लगता है। यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके आगे हम पढ़ते हैं। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। इन झीलों के किनारे वर्ष में कितनी बार मेले लगते हैं, 2 बार। कब लगता है, हरियाली अमावस्या तथा गणगौर के अवसर पर। जब हरियाली अमावस्या आती है और गणगौर आती है उस वक्त यहाँ उस मेले में पूरा शहर उमर पड़ता है। पास पड़ोस के लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलती है। इन मेलों में यदि आप आओ तो चक्री डोलर झूलों को जरूर झूलना। अगर आप इन मेलों में आते हैं तो फिर आप वहां पे चक्री का, डोलर का, झूलों का आनंद ले सकते हो। जब भी हम मेले में जाते हैं तो हम झूलों का आनंद तो लिए बगैर वापस आते नहीं है। सभी को पसंद होता है झूला झूलना, पर हाँ बच्चों उसमें थोड़ा सावधानी रखें, झूला झूलते वक्त इधर उधर हिले डुले नहीं, तो वहां से झूले से गिरने का खतरा बना रहता है। तो हाँ, इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। इतिहास के अंदर उसका नाम बहुत प्रसिद्ध है, वो भारतीय लोक कला मंडल भी है। यहाँ भी लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती है। यहाँ पर लोक कला के विकास के लिए क्या की जाती है, योजना बनाई जाती है। इस संस्था की देश विदेश तक अपनी अनूठी पहचान है। ये जो भारतीय लोक कला मंडल है, इस संस्था की पूरे देश विदेश में बहुत बड़ी पहचान है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियां हैं, भारतीय लोक कला मंडल में कई तरह की कठपुतलियां हैं, और उनका नाच तथा करतब देखकर सभी दर्शक आनंदित हो जाते हैं। जब वो कठपुतलियां नाचती है तो उसको देखकर सब बहुत आनंदित होते हैं। कठपुतलियां बच्चों आपने जान लिया, मैं किस बारे में कह रही हूँ, कठपुतली कैसी होती है, लकड़ी की बनी होती है, उसमें लकड़ी का आदमी होता है, औरत होती है, फिर उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर सजाया जाता है, और फिर उनमें धागा लगाकर उंगलियों से उनको नचाया जाता है, वो होती है कठपुतलियां। तो उनके जब हम करतब देखते हैं तो हमारा मन कैसा हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ये सभी बातें झीलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर है। यदि आप इन सबका आनंद लेना चाहते हो तो मेरा निवेदन है, पधारो हमारे देश, हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता का अगर आप आनंद लेना चाहते हो तो मेरा आपसे निवेदन क्या है, पधारो हमारे देश। पधारो हमारे देश का क्या अर्थ हुआ, पधारो यानी आपका स्वागत है, मारे देश यानी मेरे देश में, मेरा ये जो सुंदर भारत देश है इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है, ये इसका अर्थ है। इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ दिए गए हैं। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का अर्थ होता है मशहूर। दर्शनीय, दर्शनीय का अर्थ है देखने योग्य। पर्वतमाला, पर्वतमाला का अर्थ है पहाड़ों की पंक्ति। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अद्वितीय, अद्वितीय यानी जिसके समान दूसरा न हो। ये कुछ कठिन शब्द है और ये उनके अर्थ है। तो आज के लिए इतना ही, जय श्री कृष्ण।